हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आप एक BSNL का सिम कार्ड यूज़ करते हैं और आपका इंटरनेट कुछ दिनों से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स दे रहा है, तो आज का ये वीडियो पूरा शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देख लेना। आज के इस वीडियो में आपको एक लेटेस्ट APN की सेटिंग बताने वाला हूँ, जिसका यूज करने के बाद आप अपने इंटरनेट की स्पीड को काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज कर पाओगे। एंड साथ ही साथ दोस्तों, अगर आप कोई भी ऑनलाइन गेम खेलोगे तो वहाँ पर आपको पिंग प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगा। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको लाइव प्रूफ स्पीड टेस्ट करके भी दिखाने वाला हूं, तो वीडियो को पूरा शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना। सबसे पहले यहां पर मैं अपना एक बार क्रोम ब्राउजर ओपन कर लेता हूं एंड यहां पर मैं एक बार टाइप करता हूं fast.com। सो दोस्तों, आप यहां पर देख सकते हैं जो मेरी यहाँ पर डाउनलोड स्पीड आ रही है, आप यहाँ पर देख लीजिए 21 Mbps। यहाँ पर आप देखेंगे जो कि काफ़ी अच्छी डाउनलोड स्पीड आ रही है 18 Mbps। तो आपके भी फ़ोन में कुछ इस तरीके का डाउनलोड स्पीड इंक्रीज हो सकती है, उसके लिए वीडियो को पूरा शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले आपको सेटिंग्स में जाना होगा। सेटिंग्स में जाने के बाद वहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना होगा अपना सिम कार्ड एंड मोबाइल नेटवर्क वाला ऑप्शन। देन उसके बाद से आपका सिम कार्ड जो भी स्लॉट में होगा उसको सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद से आपको एक एक्सेस पॉइंट नेम का ऑप्शन मिलेगा, तो वहाँ पर आपको क्लिक करना है। वहाँ पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देखेंगे जो भी आपने APN सेट किया होगा यहाँ पर आपको दिखाई देगा। तो आपको यहाँ पर प्लस वाले बटन पर क्लिक करना है एक न्यू APN को क्रिएट करने के लिए। जैसे क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरीके का एक फॉर्म भरने के लिए पेज ओपन हो जाएगा। दोस्तों, यहाँ से आपको वीडियो को ज़रा सा भी स्किप नहीं करना है, वीडियो को एकदम ध्यान से देखना है। यहाँ पर मैं जो भी डिटेल्स आपको बताऊँगा सभी डिटेल्स को एकदम सेम टू सेम फिलअप करना है। यहाँ पर आपको कॉमा स्पेस या फिर कैपिटल स्मॉल लेटर का भी ध्यान देना है, अदरवाइज आपके फ़ोन में इंटरनेट स्पीड इंक्रीज नहीं हो पाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको नेम वाला एक ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ पर आपको टाइप करना है BSNL। देन आपको यहाँ पर लिखना है स्पीड, देन आपको स्पेस लगाना है, आपको यहाँ पर लिखना है यूनिक्स, आपको सेम टू सेम टाइप करना है। उसके बाद से आपको नीचे आएंगे, यहाँ पर आपको एक APN वाला ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ पर आपको टाइप करना है यूनियन डॉट, आपको लिखना है स्पीड, देन आपको स्लैश लगाना है, 03 लिखना है, आपको सेम टू सेम टाइप करना है। दोस्तों, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एक लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लीजिए। उसके बाद से आपको एक प्रॉक्सी का ऑप्शन मिलता है, इसको नोट से छोड़ देना है। पोर्ट वाले ऑप्शन में आपको लिख लेना है 8080। देन आपको यूजर नेम का ऑप्शन मिल जाता है, तो यूजर नेम के ऑप्शन में आपको यहाँ पर टाइप करना है @। देन आपको लिखना है BSNL, देन आपको लिखना है इंडिया। उसके बाद से नीचे आएंगे, पासवर्ड को नोट सेट, सर्वर में आपको टाइप करना है www.google.com। उसके बाद से नीचे आएंगे, MMSC को नोट सेट, MMS प्रॉक्सी को भी नोट सेट, MMS पोर्ट को भी नोट सेट, MCC एंड MNC आपके फ़ोन में ऑलरेडी सेट होगा तो वही रहने दें। ऑथेंटिकेशन टाइप में यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है PAP और CHAP। देन उसके बाद से APN टाइप का एक ऑप्शन मिलेगा, तो APN टाइप में आपको यहाँ पर लिखना है डिफ़ॉल्ट। देन आपको डिफ़ॉल्ट लिखने के बाद वहाँ पर आपको कॉमा लगाना है, उसके बाद से आपको लिखना है SUPL, देन आपको कॉमा लगा के लिखना है XCAP एंड आपको नेट, 4 APN टाइप लिख लेना है। उसके बाद से APN प्रोटोकॉल का एक ऑप्शन मिलेगा, तो इसको आपको IPv4/IPv6 को सेलेक्ट करना है। APN रोमिंग प्रोटोकॉल में भी आपको IPv4/IPv6 को सेलेक्ट करना है। उसके बाद से आपको बियरर का एक ऑप्शन मिल जाता है, तो ये आपका नॉट स्पेसिफाइड होगा, यहाँ से आपको हटा कर LTE सेलेक्ट करना है, HSPAP, HSPA, देन HSUPA, HSDPA। उसके बाद से आपको GPRS वाला बियरर सेलेक्ट करना है। उसके बाद से बैक आएंगे, बैक आने के बाद इम्यूनो टाइप को यहाँ पर आपको नन पर सेलेक्ट करना है। देन उसके बाद से इस APN के यहाँ से सेव कर लेना है। APN सेव करने के बाद आप देखेंगे कुछ इस तरीके का दिखाई देगा, तो APN को एक्टिवेट करने के लिए सिंपल इस पर एक बार आपको क्लिक करना होगा। जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे आपके फ़ोन में ये वाला APN सेटिंग एक्टिवेट हो जाएगा। दोस्तों, APN एक्टिवेट होने के बाद आपके फ़ोन को एक बार रिस्टार्ट जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, एक बार मैंने APN को एक्टिवेट कर लिया है, फिर से एक बार स्पीड टेस्ट करके देख लेते हैं। तो मैं अपना क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेता हूँ एंड यहाँ पर मैं इसको रिस्टार्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों, अभी आप देख सकते हैं जो मेरी स्पीड आ रही है 16, 17, 18 Mbps, यहाँ पर आप देख सकते हैं 21, 20, तो काफ़ी अच्छी इंटरनेट स्पीड आ रही है। आपके भी फ़ोन में कुछ इस तरीके का इंटरनेट स्पीड आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लीजिए।